हेलो गाइज, तो अभी हम लोग हैं ग्रामीण बुनकर सोसाइटी में। तो यहाँ पे जो है हैंडमेड साड़ीज़ होती हैं, ये ऑनलाइन ऑर्डर पे भी बनाते हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन ख़रीदनी होगी तो मैं डिटेल्स दे दूँगा सारी, तो आप उससे ख़रीद सकते हैं। तो बाकी की अभी जो डिटेल्स है साड़ी से रिलेटेड, वो भैया देने वाले हैं। जी भैया बताइए। ये बुनकर विभाग का एक संस्था चलता है जो गवर्नमेंट से हम लोग को धागा मिलता है, घर घर में यहाँ 6,500 हैंडलूम चलता है और जिसका फायदा टैक्स वेट हम लोग की तरफ मोदी जी की तरफ से सब माफ है। जो दुकानदार अपनी दुकान में ले जाके टैक्स है खर्चा महंगा कर देते हैं, हम लोग के यहाँ कोई टैक्स नहीं। हम लोग का यहाँ होलसेल सप्लाई होता है। अच्छा, मतलब डायरेक्टली कोई अगर आपके यहाँ से खरीदता है तो उसको सस्ती पड़ेगी। जी, सस्ता पड़ेगा। शॉप में जाएंगे तो महंगा हो जाता है। शॉप में क्या, बड़े बड़े होटल में जाते हैं आप चाय पीते 50 रुपया का पड़ता है, वही ठेला पटरी वाले भी पी लें तो 10 रुपया का चाय बहुत बढ़िया मिलेगा आपको। अगर शिकायत मिलता है उसको डांट देंगे, फटका दें, 50 रुपया वाले में शिकायत मिलेगा तो बोलेंगे। ये संस्था का चीज़ है, प्रचार तौर पर आपको बताया जाता है, दिखाया जाता है, जिससे हम लोग का ऑर्डर मिलता, काम चलता रहता है। तो मतलब सीधा बल्क में करते हैं, अगर किसी को सिंगल पीस दो पीस, हाँ एक दो पीस जो चार पीस जितना है, एक पीस दो दो पीस सब हम लोग भेजते रहते हैं। जैसे एक पीस जाएगा तो एक पीस का काम बढ़ते जाएगा। और अगर कोई यहाँ पे आता तो क्या लोकेशन है यहाँ की? लोकेशन है वन विभाग गेस्ट हाउस मूलगन कुटी बिहार के जस्ट बगल में है। ठीक है जी, तो लोकेशन भी बता दिया, बाकी मैं एड्रेस और जो नंबर वगैरह है वो उसमें डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें से देख लीजिएगा। और शॉप ये सारनाथ टेंपल के पास में ही है बिल्कुल, क्योंकि संस्था का ये शॉप है। बड़े बड़े सेठ मॉडल के बड़े बड़े शॉप बहुत सा मिलेगा जहाँ आपको वही महंगा करके वो सूरत के कपड़ा पे एम्ब्रॉयडरी कर देंगे कि बनारस का ही, बनारस का नहीं, जो यहाँ बनता है ओरिजिनल चीज़ हो देखने को और देने को मिलता है। यही लोग यहाँ से बना के अगर बनारस के मार्केट में भी डाल देंगे तो वहाँ से भी आपको जो शॉप्स है काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेंगे। तो और यहाँ पे आप सारनाथ टेंपल विजिट करते हैं तो खुद देख के ले सकते हैं, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो अभी प्राइस के हिसाब से हम आपको दिखा देते हैं, क्या प्राइस बताया इसका? ये प्योर बनारसी है, ये 5,000 की है। ये अच्छा होगा, पूरी साड़ी ऐसी है, प्लेट में लगी है, काटली है, ये पूरी हैंडमेड होती है ना, प्योर बनारसी, पूरी हाथ से बनी हुई हैंडमेड साड़ी है और इन्हीं के मतलब खुद ही बनाते हैं और 5,000 रुपीस की है। अगर हम शोरूम में जाएंगे तो इसका क्या रेट? ये सब आपका 8,000-9,000 से नीचे नहीं, शोरूम से काफ़ी महंगी मिलेंगी आपको। और अगर आप ऑनलाइन ख़रीद लेते हैं यहाँ आके आप देख सकते हैं तो आपको काफ़ी कम रेट में मिल जाएंगे। ये वाली साड़ी 2750 की है और काफ़ी सारी हैं इनके पास, वैरायटी बहुत मिलेगा। सूट के कपड़े की वैरायटी, सूट आएगा वैरायटी बहुत, सूट में ज़्यादा वैरायटी नहीं आता, साड़ी में बहुत ज़्यादा वैरायटी, काफ़ी सारी वैरायटी है। और ये तो सिर्फ शॉप है, तो जहाँ पे इनका बनता है वहाँ पे अलग इनकी स्टोरेज रहती है, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारा स्टॉक है भैया के पास। नाम क्या है भैया आपका? हमारा सोनू, सोनू नाम है भैया का। आरके सिल्क एंड कोरियन, क्या नाम है आपकी शॉप का? आरके सिल्क एंड कोरियन, आरके सिल्क एंड कोरियन, ठीक ये शॉप का नाम है। मैं आपको डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ से आप जो है कर सकते हैं। और सबसे कम रेंज की आपकी साड़ी, आपके यहाँ पे कौन सी साड़ी अवेलेबल है? ये भी हैंडमेड है? हाँ सब हाथ का, ये पूरा प्लेन है। ये सबसे लोएस्ट रेंज जो है यहाँ पे वो 500 रुपये की है, और ऑर्डर देने पे जितना बोलेंगे जैसा, 500 रुपये की है सबसे लोएस्ट रेंज की और ये भी हैंडमेड है। और महंगे से महंगा तो आप कितना भी ले सकते हैं, आप आपको मिल जाएगा और आप अपने हिसाब से बनवा भी सकते हैं। अगर आपको सेल के लिए लेना है तो आप अपने हिसाब से बनवा भी सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर दे दीजिएगा, आप अपना डिज़ाइन वगैरह देख के आप विज़िट कर सकते हैं और ये आपका ऑनलाइन ऑर्डर भी रेडी कर देंगे।
अच्छा होगा। ये सलवार होगा, इसमें फुल प्लाजो पटियाला वगैरह सब आप बना सकते हैं। और ये कुर्ते का है, और इसमें दुपट्टा देखिए सब सिल्क में आएगा। ये दुपट्टा है, ये 2250 का है। कलर्स वगैरह बोलेंगे, कलर्स वगैरह बहुत सारे मिलेंगे, डिजाइन पैटर्न बहुत सारे मिलेंगे। लाइट में डार्क में सभी तरह का, कोई बात नहीं दीदी, हमारा तो काम है दिखाने बताने। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि साड़ियाँ बनती कैसे हैं। ये हैंडमेड साड़ी होती हैं जो कि हाथों से इनमें काम होता है, और देखिए आपकी कैसे बनती हैं साड़ियाँ। अच्छे धागे मतलब आधे ऊपर हैं आधे नीचे, उसके बीच से आप निकाल दे रहे हैं। कितने टाइम से बना रहे हैं अंकल आप? 15 दिन लगता है एक साड़ी में। 15 दिन एक साड़ी में लगते हैं, और बना कितने टाइम से रहे हैं? 70 साल के हो गए इसीलिए सीखे। अच्छा अच्छा, किताब रहती है। कितने मीटर की होती है साड़ी? 15 दिन साड़ी निकल जाता है। नहीं मतलब लंबाई इसकी कितनी होती है? लंबाई इसका है 5.5 मीटर। अच्छा, 1 मीटर का बिलावल अलग से। ठीक, ये बनता है यहाँ की बाहें के लिए। अब यहाँ से साड़ी स्टार्ट, ये पल्लू बन रहा है। तो महंगा मिलता है आखिर। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी डिटेल्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप भी अपना सपोर्ट शेयर करें, लाइक करके वीडियो को, कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।